हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्नाइडर ATB310 ड्राइव की वायरिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम अल्टीबर ड्राइव की प्रोग्रामिंग देखते हैं और इसके डाइग्राम देखते हैं कि कैसे हमें इस पर वायरिंग करनी है और कैसे हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे पहले हम इसका डाइग्राम देखते हैं। तो ये है हमारा इसका यूज़र मैनुअल, ये हमारे पास इसके ड्राइंग है। ये दो सेक्शन है, एक पावर सेक्शन और एक कंट्रोल सेक्शन। सबसे पहले हम पावर सेक्शन देखते हैं। इसमें पहला है पावर सप्लाई L1, L2, L3। ये हमारी ड्राइव की पावर सप्लाई है जो हमें फील्ड से देनी है। इसकी सप्लाई है 440 वोल्ट, थ्री फेज सप्लाई है, 440 वोल्ट हमें देना है। और ये जो U, V और W जो है, यह T1, T2 या T3, ये मोटर के आउटपुट है जो ड्राइव से निकलेंगे हमारे, ये मोटर में जाएंगे। तो हमारे ये T1, T2, T3 से हमें मोटर को कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे पावर डायग्राम। उसके बाद आता है कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम में दो तीन सेक्शन हैं। फर्स्ट है रिले R1A, R1R1C। ये रिले टर्मिनल पोटेंशियल फ्री रिले होता है। इसका यूज़ हम इंडिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमें अगर ड्राइव फॉल्ट में होता है तो हमें उसके लिए एक इंडिकेशन चाहिए, या ड्राइव रन के लिए इंडिकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगा सकते हैं जो पोटेंशियल फ्री रिले है। इसमें AC DC दोनों सप्लाई दे के हम लैंप को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनालॉग। ये है ड्राइव के रेफरेंस है, रेफरेंस चैनल है, जिसमें रेफरेंस हमें एनालॉग रेफरेंस है। इसमें A1, AI1 ये एनालॉग इनपुट है, कॉमन और 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट जो ड्राइव से निकलेगा, ये कॉमन और 5 वोल्ट, यहाँ दोनों के बीच में चेक करेंगे तो 5 वोल्ट सप्लाई ड्राइव में निकलेगा। और ये है एनालॉग इनपुट ड्राइव के लिए। और ये लास्ट वाला टर्मिनल है A01, ये एनालॉग आउटपुट है जो ड्राइव से निकलेगा। एनालॉग आउटपुट जैसे RPM हमें देखना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है मीटर पे, तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे मीटर को, और RPM मीटर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ड्राइव का RPM जो भी रनिंग रहेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है कंट्रोल टर्मिनल। कंट्रोल टर्मिनल में डिजिटल इनपुट है, ये सारे हमारे डिजिटल इनपुट है, LI1, LI2, LI3, LI4 डिजिटल इनपुट है हमारे। उसके बाद ये है इसका सप्लाई 24 वोल्ट सप्लाई जो ड्राइव से निकलेगा। इसके इसका यूज़ हम कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। और ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये हो गया हमारा वायरिंग डायग्राम। अब हम इसको वायरिंग डायग्राम को हम समझने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हमें ड्राइव में किस क्या क्या प्रोग्राम करना होता है। एक ड्राइव को ऑन ऑफ करने के लिए हमें क्या क्या प्रोग्राम करने होते हैं, हम उसका मैनुअल खोलते हैं। कंट्रोल मैनुअल है, ये हमारा कंट्रोल मैनुअल है। पहला है रेफरेंस मोड, मॉनिटरिंग मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड देखते हैं। तो इसका सबसे पहले पैरामीटर आता है कॉन्फ़िगरेशन मोड में 301 स्टैंडर्ड मोटर फ्रिक्वेंसी। हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड में 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है 401 रेफरेंस चैनल 1। रेफरेंस चैनल 1 का मतलब है कि हम ड्राइव की स्पीड रेफरेंस कहाँ से देना चाहते हैं, जो ड्राइव का रेफरेंस रहेगा वो कहाँ से देना चाहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, टर्मिनल, रिमोट डिस्प्ले, मोड बस और जॉग डायल। टर्मिनल जो हमने देखा यहाँ पे, ये है टर्मिनल। यहाँ से अगर हमें देना है तो हमें वहाँ पे 01 सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे 01 सेलेक्ट करना होगा। और ये डायल बॉक्स है, जॉग डायल। जॉग डायल का मतलब ये है, हमारा ये जॉग डायल है। अगर हमें ड्राइव के इस पॉइंट यहाँ से डायल से ही ड्राइव की स्पीड चेंज करना है तो हम वहाँ पे 183 सेलेक्ट करेंगे। और ये 2 ऑप्शन है मोड बस और रिमोट डिस्प्ले के लिए। तो 401 रेफरेंस सेलेक्शन का पैरामीटर है, यहाँ से हम रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है
एक्सीलरेशन टाइम ये है 501.0। यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम सेट करते हैं कि हमें ड्राइव को कितनी देर में स्टार्ट करना है, कि ड्राइव हमारा मैक्सिमम स्पीड पर कितने टाइम में पहुँच जाए, तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम उसके अकॉर्डिंग डालना होता है। ये डी एक्सीलरेशन टाइम 501.0 मतलब जब हम ड्राइव को स्टॉप करें तो कितनी देर बाद वो 0 हर्ट्ज़ पे पहुँचे। अगर हमारे जैसे ड्राइव अभी 50 हर्ट्ज़ पे रनिंग है तो हम जैसे ही स्टॉप करेंगे तो 0 हर्ट्ज़ पे पहुँचने में कितना टाइम ले वो हम यहाँ पे डी एक्सीलरेशन टाइम पे सेट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पैरामीटर नंबर 201। हम यहाँ पे टाइप ऑफ कंट्रोल में हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारा ड्राइव किस मोड पे है, कौन से मोड पे कंट्रोल करना है, 2-वायर कंट्रोल या 3-वायर कंट्रोल। 2-वायर कंट्रोल में हमें सिंपल एक हम अगर सेलेक्टर स्विच का यूज़ करके ड्राइव को ऑन ऑफ कर रहे हैं या PLC के थ्रू ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमें सिंपल यहाँ पे 2-वायर कंट्रोल सेलेक्ट करना होगा। और अगर ड्राइव के साथ स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट किया हुआ है तो हमें यहाँ पे 0-1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 3-वायर। अगर हम PLC से सेट करेंगे तो हमें यहाँ पे 2-वायर या PLC हो गया या सेलेक्टर स्विच हो गया उसके थ्रू हमें अगर ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है तो यहाँ पे 2-वायर सेलेक्ट करेंगे, या ड्राइव को हम अगर स्टार्ट स्टॉप बटन से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3-वायर सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया ड्राइव का मोड सिलेक्शन। मोड हमने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद पैरामीटर आते हैं 406। पैरामीटर नंबर आता है 406, यहाँ पे लिखा है चैनल कॉन्फ़िगरेशन। चैनल कॉन्फ़िगरेशन में हम ये है एनालॉग इनपुट के लिए है चैनल कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो यहाँ पे 401 में रेफरेंस सेलेक्ट किया है, अगर हम यहाँ पे सेल चेंज करना है तो सबसे पहले हमें 406 की वैल्यू हमें 02 करना होगा। 406 की वैल्यू हमें 2 करना होगा। सेपरेट मोड सेलेक्ट करेंगे तो ही हमारा रेफरेंस चेंज होगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 01 ही पड़ा रहेगा। इसके लिए अगर हमें 401 में कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें 406 की वैल्यू 02 करनी होगी, उसके बाद ही वो रेफरेंस चेंज होगा। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर 407 कंट्रोल कमांड चैनल 1। यहाँ से हमें स्टार्ट स्टॉप जो करना है ड्राइव को, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक को, ड्राइव को कैसे स्टार्ट स्टॉप करना है कहाँ से, उसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, टर्मिनल, लोकल, रिमोट डिस्प्ले और मॉडबस। तो अभी हम इसको ड्राइव को टर्मिनल से ही सेलेक्ट ऑन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 407 पे 01 रहने देंगे। अगर हम ड्राइव को 02 सेलेक्ट कर देंगे तो लोकल से स्टार्ट होगा। लोकल से मतलब यहाँ से ही ये जो रन और स्टॉप है, स्टार्ट स्टॉप है, ग्रीन बटन से रन हो जाएगा और स्टॉप बटन से स्टॉप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लोकल सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ड्राइव के ही स्टार्ट स्टॉप उस बटन से हमारा ड्राइव स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ड्राइव से अगर स्टार्ट स्टॉप करना है तो यहाँ पे 02 सेलेक्ट करना, 407 में जाके 02 सेलेक्ट करना है, और ड्राइव के से ही फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो 401 पे जाके हमें 183 करना होगा। 183 जब चेंज होगा जब हम पहले 406 में जाके 2 करेंगे तो हमारा ड्राइव ऑन हो, जब ड्राइव का रेफरेंस डायल से चेंज होने लग जाएगा। तो हमें यार ये बेसिक पैरामीटर सेट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे मोटर के पैरामीटर सेट करते हैं। हमें यहाँ पे मोटर का पैरामीटर सेट करना होता है, जो भी मोटर के नेम प्लेट में लिखा रहेगा तो हमें यहाँ पे उसके पैरामीटर सेट करने होंगे। मोटर के पैरामीटर में है मोटर की फ्रीक्वेंसी, मोटर का पावर, मोटर की वोल्टेज, करंट, जो भी हमें, और इसका स्पीड RPM, मोटर की नेम प्लेट में जो भी पैरामीटर लिखे होंगे हमें वो मोटर कंट्रोल मेनू में जाके सेट करने होंगे। उसके बाद अब हम प्रोग्रामिंग समझने के बाद अब हम इसकी वायरिंग देखते हैं कि हमें कहाँ कैसे वायरिंग करनी है, फील्ड में हमें स्टार्ट स्टॉप और पोर्ट की वायरिंग कैसे करनी है, तो हम देखते हैं।
ये है हमारे पास ड्राइव, उसके टर्मिनल हो गए हैं, और हमने उसके सबसे पहले हम स्टार्ट स्टॉप बटन को ड्राइव से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये 24 वोल्ट आउटपुट है, जो ड्राइव का 24 वोल्ट आउटपुट है, इसको हम स्टॉप बटन से कनेक्ट करेंगे। स्टॉप बटन में दो टर्मिनल है, फर्स्ट सेकंड, और स्टार्ट बटन में दो टर्मिनल है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम 24 वोल्ट को स्टॉप बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। पहले इस तरह से 24 वोल्ट को हमने स्टॉप बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और इसी पॉइंट को जो 24 वोल्ट ही है उसको हमको स्टार्ट बटन पे भी देना है। तो हम यहीं से स्टॉप बटन से इसको लूप कर देते हैं। इस तरह से हमने स्टॉप बटन से ही स्टार्ट बटन को इस तरह से हमने 24 वोल्ट लूप करके दे दिया है। उसके बाद जो आउटपुट है, यहाँ सेकंड टर्मिनल है स्टार्ट बटन का, और जो स्टॉप बटन का सेकंड है। सबसे पहले जो स्टार्ट बटन से जो निकलेगा सेकंड टर्मिनल से आउटपुट, उसको हम इनपुट नंबर 2 में देंगे। इस तरह से हम उसको इनपुट नंबर 2 पे देंगे। हमने एक वायर लिया, उसको इनपुट नंबर 2 में दे दिया, और जो स्टॉप बटन से जो आउटपुट निकलेगा सेकंड टर्मिनल जो वायर निकलेगा उसको हम इनपुट नंबर 1 पे देंगे, LI1। इस तरह से हमने स्टार्ट स्टॉप बटन की वायरिंग कर ली। हमने सबसे पहले 24 वोल्ट को स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन में दिया, और स्टार्ट बटन से जो वायर निकला उसको LI2 में दिया, और स्टॉप बटन से जो वायर निकला उसको हमने LI1 में दिया है। इस तरह से दो हमने स्टार्ट और स्टॉप बटन की वायरिंग कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइव का जो L0 प्लस है और 24 वोल्ट है, इन दोनों को आपस में लूप करेंगे। इस तरह से हम इन दोनों को आपस में लूप करेंगे। उसके बाद हम L0 माइनस और कॉमन, इन दोनों को भी आपस में लूप करेंगे। इस तरह से हमने L0 माइनस को और कॉमन को लूप कर दिया है। तो ये हो गई हमारे ड्राइव में जो भी वायरिंग करनी है, तो ये हमारी कंट्रोल वायरिंग हो गई, कंप्लीट हो गई कंट्रोल वायरिंग हमारी। उसके बाद हमने जो वहाँ पे कंट्रोल टाइप ऑफ कंट्रोल में जो सेट चेंज पैरामीटर देखा था, पैरामीटर ये है जो हमने 201 में टाइप ऑफ कंट्रोल में हमने थ्री वायर कंट्रोल में 01 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे थ्री वायर कंट्रोल का मतलब ये है, कंट्रोल में हमने 3 बार यूज़ किया है, 1, 2, 3, कंट्रोलिंग में हमने 3 बार यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे पैरामीटर 201 में हम यहाँ पे 3 वायर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये मोड हो जाएगा 3 वायर कंट्रोल। कंट्रोल वायरिंग के बाद अब हम इसकी रेफरेंस की वायरिंग करते हैं। हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी हम वायरिंग देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास इस पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल है, ये है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। इसमें पोटेंशियोमीटर में लिखा रहता है, और ये हमारा सभी पोटेंशियोमीटर में ये ड्राइंग बना होता है, जिसमें 3 पॉइंट है, 1, ये बीच वाला टर्मिनल है, ये 2 और ये 3। इन दोनों पॉइंट में हमें सप्लाई देनी होती है, और ये पॉइंट जो होता है जीरो बना होता है, ये इसका एनालॉग आउटपुट होता है, वेरिएबल आउटपुट होता है जो हमारे पोर्ट से निकलेगा। तो हमें यहाँ पे 1 और 3 पे सप्लाई देनी है। तो हम ड्राइव का आउटपुट है 5 वोल्ट सप्लाई हमें इस पे देनी है। तो जो 5 वोल्ट वाला आउटपुट है, जो ड्राइव का 5 वोल्ट आउटपुट है, उसको हम 1 नंबर टर्मिनल पे देंगे, और 0 वोल्ट निकलता है ड्राइव से, कॉमन से 0 वोल्ट निकलेगा, उसको हमको 3 पे देना है। और जो एनालॉग आउटपुट निकलेगा पोर्ट से 2 नंबर टर्मिनल से, उसको हम AI1 पे देंगे, AI1 एनालॉग इनपुट 1। सबसे पहले हम जो 5 वोल्ट निकलेगा उसको हम 1 नंबर से कनेक्ट करते हैं। 5 वोल्ट को हमने यहाँ पे 1 नंबर से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो 3 नंबर है, जो 0 वोल्ट है ड्राइव का, उसको 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने उसको जो 0 वोल्ट है उसको पोर्ट के 3 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद बचता है सेकंड नंबर पर, जो पोर्ट का इस पोर्ट का जो आउटपुट निकलेगा, वेरिएबल आउटपुट जो निकलेगा, वो हमें हमने 5 वोल्ट इसमें सप्लाई दी, वो हमें इसको वेरिएबल करके जो देगा आउटपुट, उसको हमको इसी वापस ड्राइव में कनेक्ट करना है। तो AI1 पे जो यहाँ 2 नंबर से वायर निकलेगा, उसको हमको AI1 पे कनेक्ट करना है। इस तरह से हमने एक वायर के थ्रू AI1 से कनेक्ट कर दिया है।
ये हमारी हो गई पोर्ट की वायरिंग। हमने यहाँ पे एक स्टार्ट स्टॉप वाले बटन की वायरिंग कर ली और हमने यहाँ पे पोर्ट की भी वायरिंग कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।